This is Offspin. अगला गाना भी लता जी का ही है और ये एक फिल्म का टाइटल ट्रैक भी है। ओके ओके, कौन सा फिल्म है? सत्यम शिवम सुंदरम। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक है। हाँ जी, उन्हीं का म्यूजिक है। जी जी, प्लीज दो लाइन सुना दीजिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। Offspin Media Friends presents The Ragas in Playlists. The Ragas in Playlists by Sandeep Banerjee. हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द रागास इन प्लेलिस्ट। हर हफ्ते की तरह आज हम फिर से आ गए हैं एक नए राग के साथ एंड उस राग से जुड़े कुछ गानों के साथ। बट बिफोर रिवीलिंग द राग, लेट मी वेलकम आवर म्यूजिकल गुरु एंड माय को होस्ट मिस श्रावणी बहुगुणा जी। हेलो श्रावणी जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन संदीप जी, आप कैसे हैं बताएं? बस बढ़िया श्रावणी जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हमारे लास्ट कुछ एपिसोड्स लोगों को बहुत पसंद आए, राग भीम पलासी, राग अहिर भैरव एंड देन द लेटेस्ट वन राग देश। स्पेशली राग भीम पलासी में वो जो गाना हमने इंक्लूड किया था पानी दा, वो लोगों को बहुत पसंद आया। स्पेशली जो यंगस्टर्स थे, आयुष्मान खुराना के जो फैंस हैं उनको ये बहुत मज़ा आया सुन के कि ये गाना राग भीम पलासी के ऊपर है। So glad to know. सिमिलरली राग देश के ऊपर आधारित हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, जिसके बारे में हमने अपने लास्ट एपिसोड में बात किया। सो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लोग इजीली रिलेट कर जाते हैं एंड पीपल आर रियली लविंग इट। ग्लैड टू नो दैट। हाँ, अच्छा लग रहा है मुझे ये भी जानकर कि आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है इसको पसंद कर रहा है और अपने प्लेलिस्ट के गाने को रिलेट कर पा रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो चलिए श्रावणी जी, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज का जो राग है वो काफ़ी स्पेशल एक राग है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने बने और राग का नाम है राग दरबारी कानरा। दरबारी कानरा जी, तो ये तो बहुत गंभीर प्रकृति का राग है। लेकिन हाँ जी, आपने भी सही कहा कि इसके जो नोट्स हैं, इसमें जो स्वराज लग रहे हैं, उसमें बहुत सारे पॉपुलर गाने भी बने हुए हैं। जी जी जी, मतलब रोमांटिक गाने हैं, कुछ थोड़े इमोशनल गाने भी हैं, देशभक्ति के गाने भी बने हैं, गज़ल बने हैं और काफ़ी टाइप के गाने बने हैं। सो शुरू करते हैं राग के बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। आप अगर राग परिचय जरा बता दें हमारे श्रोताओं को। हाँ जी संदीप जी, देखिए पहली बात तो ये है कि दरबारी कानड़ा, ये जो शब्द है दरबारी, ये फारसी शब्द है। तो ये आप एक तरफ से देखेंगे तो ये मध्यकालीन समय पे ये शब्द बहुत प्रचलन में हुआ और इसको मियाँ कहते हैं लोग कि मियाँ तानसेन जी ने इसको दरबार में गा के इसको बहुत प्रचलित किया, बहुत लोकप्रिय किया और ये गंभीर प्रकृति का राग है। अच्छा, हाँ हाँ जी। और इस राग को मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक में अधिकतर विस्तार करके गाया जाता है। तो श्रावणी जी, मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक में ये राग को गाया जाता है, तो इसी के साथ हम एक बार अपने लिसनर्स को जरा ये भी बता दें बहुत शॉर्ट में कि मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक होता क्या है ये हमने आज तक अपने पुराने किसी एपिसोड में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, पर इस एपिसोड में जब ये हो रहा है प्रयोग तो जरूर हम ये अपने श्रोताओं को बताते हैं। सप्तक जो वर्ड है संदीप जी, ये सप्त मतलब सात, क्रम अनुसार जो हम संगीत में सात स्वर बोलते हैं तो उसको हम सप्तक कहते हैं। लेकिन ये जो सप्तक है ये तीन प्रकार के माने गए हैं। अच्छा। एक मंद्र सप्तक, एक मध्य सप्तक और तार सप्तक। मध्य सप्तक वो है जिसमें आप हम सब कंफर्टेबली गाना को गाते हैं। जैसे देखिए संदीप जी, अब हम इस राग का आरोह गाते हैं, अगर सा नि सा रे ग मा पा दा
ये तो वो मध्य सप्तक। ये जो और भी नीचे के उन्हीं स्वरों को जो नीचे गा रहे हैं इसको हम कहते हैं मंद्र सप्तक। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और जब हम ऐसे ही फ्रेज को जब हम ऊपर के सुरों में गाते हैं, ऊपर मतलब सा के, अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब बेसिकली सा रे गा मा पा, हाँ जी, इसको हम बोलते हैं तार सप्तक। अच्छा, सो बेसिकली सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हमारा मध्य हो गया जिसमें हम कंफर्टेबली गा रहे हैं। सा रे गा ये तार हो गया, सा नी धा ये मंद्र हो गया, हाँ। तो बेसिकली तीन अलग अलग सप्तक। हाँ जी, हाँ जी। अब मुझे पक्का है कि लिसनर्स को समझ में आ गया कि मंद्र, मध्य और तार सप्तक क्या होता है, और साथ में श्रावणी जी ने गा के भी सुना दिया राग का आरोह और अवरोह। तो श्रावणी जी, इसका अगर आप पकड़ भी हमें सुना दें। द नी सा रे गा रे सा द ध नी रे सा, संदीप जी इसमें एक बात आपको ध्यान देना होगा। हाँ जी। दरबारी कानड़ा में जो गंधार है अर्थात जो ग, उसको जो लगाने का सुर लगाने का जो तरीका है वो ऋषभ से होता है, रे से। इसे अति कोमल गंधार भी कहा जाता है। ओ। हाँ जी। अच्छा, तो अच्छा। सारे ग रे सदा, तो सारे गा, रेगा, ये जो रेगा, 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 हाँ जी। अरे वाह, तो ये इसकी विशेषता है। क्या बात है, अति कोमल गा गंधार। हाँ जी, अच्छा अच्छा, वाह। तो इसका थाट कौन सा है श्रावणी जी? संदीप जी, ये आसावरी थाट से है जी, जिसमें ग ध नी स्वर कोमल लगते हैं। okay. और इसमें वादी स्वर जो है वो ऋषभ यानी रे, अच्छा। संवादी स्वर पंचम यानी प है, और इस राग की जो जाति है ना वो संपूर्ण षाड़व या आप कह सकते हैं संपूर्ण वक्र संपूर्ण बोल सकते हैं। अच्छा, संपूर्ण वक्र संपूर्ण। हाँ जी, ये एक नया टर्म है, वक्र संपूर्ण। वक्र संपूर्ण से ये तात्पर्य है कि आप जब साधनी प म प ग म रे सा, हाँ जी, आपने सभी स्वर लिया लेकिन ध को आपने सा ध, आप सा नी ध ना लेकर साधनी, फिर आपने आरोह किया। वक्र मतलब टेढ़ा, टेढ़ा आपने वही स्वर लगाया। हाँ, पर डायरेक्ट नहीं लगाया, सा नी ध ना लगा के सा ध नी पा, नी के बाद ध नहीं लगाया, नी पा। ओके, तो इसको वक्र संपूर्ण कहते हैं। हाँ, और जो इस राग की गायन समय है वो मध्य रात्रि माना गया है जी। ओके ओके ओके, हाँ जी। तो चलिए अभी रागों और गानों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो जैसे ही आपने उसका पकड़ गाया और आरोह अवरोह आप गा रहे थे, मुझे स्ट्राइक किया ये गाना, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया। सेम ट्यून मुझे लगा, मुझे याद आया ये गाना, इसलिए मैंने गा दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और देखिए गजब की बात कि ये दोनों गाने जो हैं वो राग दरबारी के ऊपर ही बेस्ड हैं, और इसीलिए उनके कॉम्पोजिशंस भी कुछ कुछ जगहों पे बिल्कुल सिमिलर है।
कुछ फ्रेजेस एकदम एक सी लगती हैं। सो क्या बात है? इसके नोट्स क्या होंगे जो तोरा मन दर्पण कहलाए शावनी जी? सारे गारे सधनी नी सा सारे नी सा गारे सधनी नी सा। पूरा जो आरोह अवरोह का जो एक वो था ना, वही इन्होंने पूरा राग, मतलब पूरा राग बेस्ड, एग्जैक्ट राग बेस्ड सॉन्ग है। हाँ जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और मना दे का वो गाना जो मैंने गाया झनक झनक, वो भी कितना खूबसूरत गाना है। हाँ जी हाँ जी, वाओ। तो शावनी जी, अगला गाना कौन सा है? आपको कुछ गाना इसके बाद ही याद आ रहा हो? हाँ जी, एक बहुत खूबसूरत सा गाना है। अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। वाह वाह, क्या बात है श्रावणी जी, बहुत ही खूबसूरत गाना है और लता जी ने गाया है ये गाना। हाँ जी हाँ जी। तो अगला गाना कौन सा है श्रावणी जी? अगला गाना भी लता जी का ही है। ओ। और ये एक फिल्म का टाइटल ट्रैक भी है। ओके ओके। हाँ, कौन सा फिल्म है? सत्यम शिवम सुंदरम। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। हाँ जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक। हाँ है जी, उन्हीं का म्यूजिक है। जी जी जी। हाँ प्लीज, हाँ जी। दो लाइन सुना दीजिए। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना, क्या बात है। अच्छा, एक गाने का मुझे ना एक फ्रेज याद आ रहा है श्रावणी जी, सोनू जी का गाया हुआ है वो। और फिल्म मैं हूं ना, तो गाने का नाम है तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे। बहुत ही एक पेपी फास्ट नंबर है अनु मलिक जी का। जी जी जी। उसका वो फ्रेज है, पैराग्राफ में आता है, तुमको पूजा है तुम्हारी ही इबादत की है, हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है, हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है। तो ये मतलब ना मुझे दरबारी का एक लग रहा है। हाँ जी हाँ जी, गाइए ना, गाइए, दोबारा गाइए, देखते हैं। हाँ, फ्रेज देखते हैं। तुमको पूजा है माँ पसानी सा तुम्हारी ही, सारी सधनी रे रे इबादत की है, साधनी माँ पा। तो प्योरली दरबारी दिख हाँ रहा जी, है। हाँ जी। साधनी माँ पा जो आपने शुरू में बताया एपिसोड। हाँ के, तो मुझे अचानक से लगा ये कानों में मेरे ये धुन आ रहा था। हाँ जी, तो हाँ मैंने जी। सोचा आपसे एक बार कंफर्म कर लिया जाए। क्या बात है, ये गाना किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है दरबारी में एंड देन एक पेपी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। एब्सोल्युटली। और थोड़ा सा वो भी है, देखिए कहाँ गंभीर प्रकृति के हम बता जी, रहे थे जी, जी, और जी। कितना खूबसूरती से इसको यूज किया है। हाँ, जी, हाँ, इस हाँ, कॉम्पोजिशन में। एब्सोल्युटली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा श्रावणी जी, एक गाना है, फिल्म का नाम है रहना है तेरे दिल में, आर माधवन, दिया मिर्जा और हरीश जयराज जी का म्यूजिक है इसमें। और गाना है जरा जरा बहकता है, बहुत ही मेलोडियस एक गाना है। तो वो भी क्या इसी राग के ऊपर है? हाँ संदीप जी, एक बार गा के देखते हैं। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है, मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है
पास मेरे आ जा रे। वाओ, कितना अच्छा आपने गाया, मजा आ गया, मेलोडियस एकदम, बहुत अच्छा लगा। तो जो नोट्स लगे हैं गाने में वो तो कोमल ग, कोमल ध, कोमल नी, ये सभी नोट्स लगे हैं, सेम एज दरबारी। हाँ संदीप जी, देखिए इस गीत में ग, ध और नी ये कोमल तो लग रहे हैं, लेकिन ग, ध, नी कोमल तो आसावरी थाट का निशानी है कि उसी से उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना, वो तो कन्फर्म्ड है, लेकिन ये दरबारी है या नहीं वो उसकी धैवत और गंधार पे किस तरह का आंदोलन आप दे रहे हैं, आप सपाट मतलब सीधा गा रहे हैं तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट राग बन जाएगा, तो उस बात का ध्यान दिया जाता है। पूर्णता रूप से आप इसको दरबारी कहेंगे वो हम नहीं कह सकते इसमें। ओके ओके, मतलब नोट्स लग रहे हैं ग, ध, नी, कोमल, बट बिकॉज उसका चलन दरबारी जैसा नहीं है तो हम उसको राग दरबारी पर आधारित ऐसा नहीं कह सकते। तो इसका मतलब सिर्फ नोट्स का सेम निकलना राग नहीं हो जाता, उसका चलन बहुत इम्पोर्टेंट है, किस तरह से उन नोट्स को हम लगा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी हाँ जी। तो श्रावणी जी, अगला गाना कौन सा है हमारे इस दरबारी राग के एपिसोड में? इस राग में एक एकदम ही दरबारी के जो राग वाचक जिसे आप सॉन्ग कह सकते हैं, वो पग घुंघरू बाद मीरा नाची थी, किशोर दा का गाया हुआ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे अरे वाह, बहुत ही फेमस गाना है, अमिताभ बच्चन जी ने उसमें एक्ट किया है। हाँ जी हाँ जी, गाइए ना आप दो लाइन गाइए ना। हाँ के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू। क्या बात क्या बात। पानी सा माँ पानी रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे पा 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 मंगा रे सनी सा सा 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 कुछ ऐसा, उसका पूरा एकदम वो एक सरगम है। हाँ जी, तो पा मंगा रे सनी सा सा सनी सा सा, ये जो पूरा मतलब वही स्वर उन्होंने, हाँ, पूरा माहौल बन गया। अच्छा श्रावणी जी, ये जो अभी फ्रेज हमने गाया ना धनी रे सा, तो और एक गाना है साजन मूवी का, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, तो ये। हाँ जी हाँ जी, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार धनी रे सा। एग्जैक्टली, मैं इसी फ्रेज की बात कर रहा था। तो पूरा समझ में आ रहा है कि राग दरबारी के ऊपर ही आधारित है ये गाना। संदीप जी, ये गंभीर प्रकृति का राग होने की वजह से जी, इसमें देशभक्ति के भी गीत बहुत सुंदर लगते हैं। ओके। और मोहम्मद रफी जी का एक गाना है सरफरोशी की तमन्ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अब हमारे दिल में है। बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत पुराना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुनाइए ना। हाँ जी हाँ जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बहुत सुंदर, बहुत कितना सुंदर इन्होंने राग दरबारी को, एकदम राग दरबारी आधारित ये गाना है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जो हम गाने की बात कर रहे थे तो ये सुनते हुए मुझे ना ये एक गजल याद आई गुलाम अली जी की। अरे वो तो गजल सम्राट है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है ना गजल, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। हाँ जी बिल्कुल, ये इसी राग पर ही है। हाँ जी हाँ जी, कितना खूबसूरत है बताए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत फेमस गजल है ऑब्वियसली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वन ऑफ द हिट्स है, वन ऑफ द हिट्स। या जी जी जी। तो श्रावणी जी, खत्म करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अगर राग दरबारी के ऊपर एक बंदिश सुना दें।
कछु काम के अब और नहीं, कछु काम के मैं भरोसे अपने राम के, भरोसे अपने राम के और नहीं, कछु काम के जो चाहे सो देत पदारत, जो चाहे सो देत पदारत, अंत देत सुख धाम के अब, अंत देत सुख धाम के अब और नहीं, कछु काम के अब और नहीं, कछु काम के अब। वाह श्रावणी जी, बहुत अच्छा लगा। कितना सुंदर बंदिश है, और हमेशा ही मैं कहता हूँ कि बंदिश सुन के मन को बहुत आनंद और बहुत सुकून मिलता है, वैसा भी आज भी हुआ। चलिए इसी के साथ हम अपने एपिसोड को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, और जाने से पहले थैंक यू वंस अगेन श्रावणी जी। संदीप जी, आज की ये चर्चा बहुत आनंद दिया मुझको, रियली बहुत अच्छा लगा। जी जी, मुझे भी बहुत ही मजा आया, बहुत ही मजा आया। चलिए इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगले हफ्ते मंगलवार को एक नए राग के साथ और गाने जो उस राग से इंस्पायर होके बनाए गए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और सुनते रहिए द रागास इन प्लेलिस्ट विद मी संदीप बैनर्जी। यू आर लिसनिंग टू द रागास इन प्लेलिस्ट, एन ऑफ स्पिन ओरिजिनल, कंसेप्चुअलाइज्ड, होस्टेड and produced by Sandeep Banerjee. This show is live and available on Spotify, Apple Podcasts, Audible, Amazon Music, Saavn, Gaana, Wink, and every other place we thought hosted podcasts. Give the Offspin team a like, maybe a subscribe on their Instagram page, and be in touch. We love hearing from you. Keep listening to content from Offspin Media friends, and keep listening. The opinions expressed in this show are personal to the guests and the host and do not necessarily represent the opinions of the producer or the platform. This show does not intend to defame and denigrate any individual or organization in India or outside. The show is created for entertainment purposes only. It does not encourage smoking, drinking, or any kind of substance use. It may contain the use of harsh language that may be considered offensive, rude, or profane by the listeners. Listeners are advised to use their discretion.